good liner day, but I am kind of sluggy today. So guys, I'm done with the hair, makeup and jewelry. Look at the necklace. Finally done with filming two videos. दो वीडियो एकदम कंप्लीट हो चुकी है. एक वीडियो का इंट्रो बाकी है. मैस दैट आई हैव क्रिएटेड आफ्टर शूट. ये सारी चीज़ें मुझे समेटनी है एंड चाय पीना है मुझे. चाय पी लो. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो गाइज, आज होने वाला है मेरा नाइस टी. बहुत ही अच्छी चाय बनी है गाइज. एंड दिस कप आई लव. यस, मैं इंट्रो कर रही थी. सो आज काइंड ऑफ होने वाला है मेरा शूट डे, क्योंकि मैं डेली शूट नहीं करती. क्योंकि कंटेंट और वीडियो क्रिएटिंग में क्या होता है कि सिर्फ आपको शूट ही नहीं करना होता, आपको एडिट करना. वीडियो यही होने वाला है बिहाइंड द सीन कि मैं कैसे शूट करती हूँ. ऑल्दो मैंने और एक वीडियो और बनाई है काइंड ऑफ शूट डे, बट उसमें मैंने ज़्यादातर बिहाइंड द सीन नहीं दिखाया है. बट इस वीडियो में ट्राई करूँगी कि मैं आपको पूरे बिहाइंड द सीन दिखा दूँ, कैसे मैं सेटअप करती हूँ, क्या कुछ भी. सो वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लास्ट तक देखना. पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल पे. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे आपको मेरी डेली लाइफ के हर एक चीज़ें मिल जाएंगी. मैं स्टोरीज पोस्ट करती रहती हूँ बहुत ज़्यादा. पिक्चर्स आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे जो कि मैं प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ न्यू. एंड वन मोर थिंग गाइज, मेरा मेन चैनल है जहाँ पर मैं ब्यूटी रिलेटेड, स्किन केयर, हेयर केयर, स्टाइलिंग, हॉल्स वहाँ पे शेयर करती हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे. ब्यूटी विद ब्रेन करके मेरा जो चैनल है मेन, उस पर मैं ये सारी चीज़ें पोस्ट करती हूँ. दिस इज़ माई ब्लॉगिंग चैनल. यहाँ पे मैं डेली लाइफ से रिलेटेड ब्लॉग्स, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स करती हूँ. सो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे उस चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. थर्ड डे में गाइज, आई एम बैक एंड आई काइंड ऑफ रेडी फॉर द शूट. मैंने ड्रेस ये वेयर कर लिया है, ये टी शर्ट. एक्चुअली आई एम डूइंग अ टी शर्ट हॉल वीडियो फ्रॉम ट्रिपल एस, जो कि है ट्रिपल एस यानी कि स्ट्रीट स्टाइल स्टोर. वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल आपको टी शर्ट मिल जाते हैं, तो मैं उसका हॉल शेयर करने वाली हूँ ऑन माई यूट्यूब चैनल. सो मैं आपको एक क्विक व्यू देने वाली हूँ कि कैसे मैं रेडी होती हूँ फॉर माई शूट, माई क्विक हेयर एंड मेकअप टिप्स. सो स्टे ट्यून्ड. फॉर मेकअप, जब भी मैं शूट करती हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा लाइट मेकअप रखती हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा मेकअप. जब भी मैं हॉल वीडियो शूट करती हूँ, लाइक मुझे बार बार चेंज वगैरह करना पड़ता है, तो मैं अपना मेकअप बहुत ही ज़्यादा लाइट रखती हूँ. क्योंकि ज़्यादा लाइट ज़्यादा मेकअप करूँगी तो वो मेरे कपड़ों में भी स्टेन छोड़ देता है और प्लस ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है. सो लेट्स डू अ क्विक मेकअप. I can see now, not every day is good liner day, but I am kind of sluggy today. मतलब उतने ज़्यादा perfect नहीं है, but I got a perfect wing liner, not too much perfect, but kind of. I'm loving it. So my makeup is done. Now the fun part is jewelry selection. Let's go. And by the way, I want to show you my balcony जहाँ पे pigeons ने eggs दिए हैं. So these are two eggs जो कि 1 week हो गया I think pigeons ने दिए हैं. जब भी मैं balcony open करती हूँ तो वो भाग जाते हैं. By the way, यहाँ पे मेरे मेरा वॉशिंग मशीन रखा है, तो इसलिए मुझे ओपन करना पड़ता है, या फिर मुझे मतलब एयर चाहिए होता है फ्रेश, तो मैं ओपन करती हूँ. दिस इज़ माई बालकनी. सो लेट्स गेट टू द ज्वेलरी सिलेक्शन पार्ट.
गाइज आई एम डन विद द हेयर मेकअप एंड ज्वेलरी. लुक एट द नेकलेस. आई एम काइंड ऑफ हैप्पी विद माई लुक टुडे. सो चलो पहले आपको दिखा देता है सेटअप कहाँ मैं शूट करती हूँ. Is done and it takes me around 15 or 20 minutes after मतलब पूरा सेटअप वेटअप करने के बाद 15 minutes मुझे लगे हैं, उससे कम ही लगे हैं. सो जो मेन टाइम लगता है वो लगता है सेटअप करने में, कि आपको बैकग्राउंड सेटअप करना है, जो भी आपको शूट का मटेरियल चाहिए वो सारी चीज़ें इकट्ठे करने में ही टाइम लगता है. अदरवाइज शूट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. मतलब हॉल था तो ट्राई ऑन कर लिया है मैंने, बट अभी बैठ कर जो बनाना है वीडियो वो नहीं हुआ है. बट उसके पहले आई एम गोइंग टू ईट समथिंग. एग खाने का मन कर, मतलब एग ही है अभी, भूख लगी है बहुत ज़्यादा. इस टाइम पे मुझे एनर्जी की ज़रूरत है क्योंकि वीडियो शूट वाले दिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है. सो चलो खाते हैं एग. सो एग्स आर रेडी टू ईट. आई लव टू स्प्रिंकल दीज. एपिसोड उठा के देखने स्टार्ट कर देती हूँ. ऐसा कोई वो नहीं है कि, क्योंकि वो हर एपिसोड कुछ नया होता है उसमें. अगर आप स्टार्टिंग से एक बार देखना स्टार्ट कर लोगे ना तो आपका मन लग जाएगा, बिलीव मी. मेरा तो फेवरेट है ऑल टाइम. एंड उसके बाद मैं करूँगी अपना काम ऑफिस का. मे बी एक दो घंटे बाद मैं फिर से शूट करूँगी बैठ के. मतलब क्योंकि मैंने ट्राई ऑन तो कर लिया है, बट मुझे शूट करना है कि मतलब उस उन प्रोडक्ट्स के बारे में, टी शर्ट्स वगैरह के बारे में बताना है. तो वो वीडियो मुझे शूट करना है. एंड राइस मैंने चढ़ा दिया है, सो दैट मुझे एक घंटे के बाद अगर भूख लगे तो मैं खा लूँ. सो मिलते हैं थोड़ी देर में. गाइस 3:30 एंड आई एम गोइंग टू शूट द रेस्ट ऑफ वीडियो जो मैंने छोड़ दिया था अभी. दिस इज माई सेटअप फॉर द वीडियो शूट. ये सारे टी शर्ट जो हैं उन्हीं के हॉल मुझे बनाने हैं वीडियो, हॉल वीडियो. एंड दिस इज आई एम गोइंग टू ईट गुलाब जामुन विद आइसक्रीम. आइसक्रीम वैसे होममेड है, मतलब क्रीम, फ्रूट क्रीम है, काइंड ऑफ फ्रूट क्रीम. और प्लेन की आवाज़, आई डोंट नो. मैं चाहती हूँ आज मैं ऐसे जो रियल आती है लाइट उस पर मैं शूट करूँ, बट आई डोंट नो क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है तो आवाज़ आ रही है. बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है कंस्ट्रक्शन की. लगता है मुझे रुक रुक के शूट करना पड़ेगा. लेट्स सी हाउ इट टर्न आउट, हाउ इट विल गोइंग टू बी टर्न आउट.
फाइनली डन विद फिल्मिंग टू वीडियो, दो वीडियो एकदम कंप्लीट हो चुकी है, एक वीडियो का इंट्रो बाकी है बस, इंट्रो ही और सारी शूट कर चुकी है मैंने, मतलब कर लिया था मैंने पहले ही वीडियो। एंड लुक एट द सिचुएशन ऑफ माय रूम आफ्टर शूटिंग बिहाइंड द मेस दैट आई हैव क्रिएटेड आफ्टर शूट। ये सारी चीज़ें मुझे समेटनी है एंड चाय पीना है मुझे, मन कर रहा है। चार बज गए हैं आई थिंक, चार साढ़े चार हो रहे होंगे। एंड वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज, मतलब तो फन वीडियो है, कोई भी डेकोरेटिंग टाइप का वीडियो है, डेकोरेशन टाइप का चाइनीज वीडियो है। हाउस माय लुक 7 और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, वीडियोस बन चुकी हैं ऑलमोस्ट सारी, एक वीडियो और शूट करनी है, मे भी एक और दो वीडियो और शूट करूँगी, मे भी जैसा भी टाइम रहेगा, आई डोंट नो कितनी और शूट करनी है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ मूली का पराठा एंड बैगन का भरता, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये दोनों कॉम्बिनेशन, आई डोंट नो आपको कैसा लगता है, आपको भी अगर ये कॉम्बिनेशन पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय द वे हाउ इज माय दिस लुक, हेयर्स ख़राब हो चुके हैं अभी बट मेकअप यार लुकिंग गुड,